बहुत सालों से इट्स अ वेरी गुड मैगजीन. इट टेल्स अस यू नो व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड द पीपल हु आर टेकिंग द सोसाइटी फॉरवर्ड. और बहुत अच्छे अच्छे कॉजेज सेलिब्रेट करती है मैगजीन. सो आई एम ऑल देयर टू सपोर्ट देम एंड या सोसाइटी अवार्ड्स है. सो वी लुक फॉरवर्ड टू द अवार्ड एवरी ईयर. ओके, जैसे कि अवार्ड नाइट है तो सेलिब्रिटी के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, और जैसे कि आप प्रोड्यूसर भी है, तो एक जो काम के लिए एप्रिसिएशन मिलता है वो कितना इंपॉर्टेंट रह जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई थिंक हम सब एप्रिसिएशन के लिए जीते हैं, यू नो. आप हम सब अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं बिकॉज यू नो अगर हमारे तारीफ़ की कोई हमारे काम की सॉरी अगर कोई बहुत बुराई करे तो कहीं ना कहीं वो चुभती है, बात हर्ट होती है. बिकॉज यू नो आप जब काम करते हो वो आपका पैशन होता है, बहुत दिल से करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रिसिएशन मिले. एंड जब अवार्ड मिलता है तो ऑफकोर्स इट्स लाइक द आइसिंग ऑन द केक. आई थिंक बॉलीवुड में होने से पहले और एक डायरेक्टर होने से पहले या एक एक्टर होने से पहले आई थिंक मैं एक इंडियन हूँ. और इंडियन होने के नाते यू नो मुझे ऑफकोर्स हर्ट होगा अगर मेरे देश के इतने सारे सोल्जर्स किल होंगे एक वॉर में. एंड हम ऑब्वियसली पीस चाहते हैं. सो आई वुडंट वॉन्ट कि कोई भी फैमिलीज उजड़े. एंड अगर किसी रीज़न से उजड़ रही हैं तो इट्स वेरी सैड. एंड आई थिंक जब ऐसा हो जाता है तो इन कंडीशंस में बहुत मुश्किल हो जाता है यू नो कल्चर आर्ट और कंट्री को अलग अलग करना. बिकॉज इवेंचुअली सबसे पहले आप एक इंडियन है, एक भारतीय हैं. सो आई वुड थिंक लाइक अ इंडियन. यू नो मैं एज अ डायरेक्टर या एज अ एक्टर नहीं सोच पाऊँगी. और फॉर मी इट विल बी डिफरेंट टू कीप दैट सेपरेट. दिव्या जी, जैसे कि पीस के साथ फवाद खान ने भी शायद काम किया है मेरे ख्याल से. अदनान सामी तो इंडियन है, अभी इंडियन कन्वर्ट हो गया. फहद खान का एक कमेंट आया था जहाँ पर वो पाकिस्तान मीडिया को फेस किया था. उन्होंने बोला था कि बॉलीवुड किसी की बाप का नहीं है, माय कंट्री कम फर्स्ट. सो इंडियन बॉलीवुड में काम करने के बाद अगर उनका ऐसा कमेंट आता है तो ये क्या जो यहाँ पर पाकिस्तानी एक्टर्स काम करते हैं तो क्या सोच बदल जाती है इसके? आपकी क्या विचार है इसमें? आई डोंट नो उनकी क्या सोच रहती है या क्या नहीं रहती. बट द थिंग इज़ दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारी इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है और अगर यू नो हम वी आर ओपन टू एवरीबडी, चाहे कोई रशिया से आए, कोई लंदन से आए, कोई पाकिस्तान से आए, एज ए इंडस्ट्री हम खुले दिल के हैं. इंडियंस होकर भी हम इंडियंस भी एज ए इंडियंस भी हम बहुत खुले दिल के हैं. और कोई भी गेस्ट अगर हमारे घर में आए या हमारी कंट्री में आए तो बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और उनकी यू नो उनका पूरा वो ख्याल रखते हैं. सो इट्स द सेम एटीट्यूड हम अपनाते हैं इंडस्ट्री में. हम देखते नहीं कि ये पाकिस्तानी एक्टर है या कहाँ से आए हैं, किस देश से आए हैं. बट ऑब्वियसली जब ऐसी कंडीशंस आ जाती है सो इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज बींग एन इंडियन यू नो यू गेट हर्ट एंड योर सेंटिमेंट्स आर हर्ट. थैंक यू सो मच.